स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विदेशक में। देखिए ये पर्टिकुलर वीडियो डेली बेसिस अपडेटेड है और जितने भी न्यूज़ और एग्ज़ाम रेलिवेंट होते हैं स्टूडेंट के लिए वो सब अपडेट की जाती हैं डेली बेसिस पे। साथ ही साथ फ्री आप कास्ट क्रैश कोर्स चलाया जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले अगर आप इन सब चीज़ों से इंस्टेंट अपडेटेड नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ अपडेट्स हैं। कोरोना वायरस का कहर, स्कूल कॉलेज यूपी सहित कई सारे राज्यों के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं 22 तारीख तक। अभी हम उसकी नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे आपको। यूपीपीएससी बीयू की परीक्षा हुई रद्द, कई सारे लोगों को जितना मैंने ऑलरेडी ग्रुप बनाया है और डेली बेसिस पे मैं उनको पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ हमारे टीम की तरफ से सेंड की जाती है, तो उसमें कई सारे लोगों का मैसेज और फ़ोन कॉल आ रहा था कि क्या सर ये परीक्षा भी रद्द की जाएगी। देखिए कि पॉसिबिलिटी तो बन रही है, जिस हिसाब से सारे इंस्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं, हर चीज़ क्राउडेड चीज़ों को अवॉइड किया जा रहा है, बट जब तक ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती यूपीपीएससी की और लोक सेवा आयोग की तरफ से, तब तक आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है और होप शो कि उसी डेट पे हो जाएगी। सेकेंड चीज़ है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर प्रक्रिया रुकेगी, ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो चल रही है अभी 16 मार्च से मतलब शुरू होने वाली है, 7 अप्रैल तक इसका खंड आवंटन प्रक्रिया होने वाली है। तो कई सारे लगभग 1 से 1.5 हज़ार बच्चे हमसे डायरेक्ट जुड़े हैं, उनमें 4 से 5 ग्रुप बनाया गया है, तो लगातार सबका मैसेज आ रहा है, सब एक दूसरे को संदेह कर रहे हैं, सब लोग पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, तो इसको लेके मैंने इसमें पूरी प्रोसेस में बता दिया है क्या क्या होगा। और साथ ही साथ लास्ट में डिस्कस करेंगे UP SSC ने लेटेस्ट जारी किया है नोटिफिकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरे एक एक न्यूज एनालिसिस को देखते हैं बारी बारी से। तो दोस्तों, ये आज के न्यूज़पेपर में कोरोना का कहर, प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान 22 मार्च तक बंद रहेंगे, जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षा शुरू हो चुके वहाँ यथावत चलेंगे, ठीक है। सिर्फ देखिए सामूहिक कार्यक्रम पूरे सरकार भी नहीं मनाएगी 3 साल पूरे होने का जश्न एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। देखिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को 22 मार्च तक बंद करने का निर्देश लिया, मतलब निर्णय लिया है। यह बंदी बेसिक माध्यमिक उच्च प्राविधिक व्यावसायिक और देखिए कॉमर्शियल मतलब कोचिंग संस्थानों से भी, चिकित्सा शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों पर लागू होगी। सिर्फ वहीं शिक्षण संस्था पूरी सतर्कता से चालू खुले रखेंगे जहां पहले से परीक्षा चल रही है, ठीक है। तो ये पूरी अपडेट थी, इसमें देखिए पूरी डिटेल दे रखी है, आई होप कि आप सभी ने पढ़ भी लिया है। IPL को भी इसके चक्कर में टाल दिया गया और अभी तक इंडिया में नियर अबाउट 82 को संक्रमित हो चुके हैं, और हाल की अपडेट अगर आज की डिटेल माने तो 2 लोगों की मौत कर्नाटका से और दिल्ली से और दिल्ली डेथ हो चुकी है। दूसरी चीज़ यह है कि जितनी भी हो सके जितनी भी एडवाइजरी जारी की है उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप सब सतर्कता बरतें, क्योंकि ये इस चीज़ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बस इंडिया ही है जो थोड़ा सा अछूता रह गया, नहीं तो हर देश में महामारी शुरू हो गई, महामारी जैसी चीज़ें कर दी गई हैं, ठीक है। चलिए अगली अपडेट को देखते हैं फ्रेंड। जैसे कि मैंने बताया लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं मिली है कि आपका BU का एग्जाम रद्द हुआ है। अगली डिस्कस कर लेते हैं हम आपके सिंचाई विभाग जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की ज्वाइनिंग प्रोसेस होने वाली। देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं आपके IDUP मतलब इरीगेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 तारीख को ही जो अपडेट आई थी इसके खंड अलॉटमेंट को लेकर, उसके सिवाय कोई भी नई अपडेट नहीं है। आप इसको रिफ्रेश करके भी बारी बारी से देख सकते हैं। जब तक यहाँ कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक आप इसको मतलब नहीं मानेंगे, क्योंकि ग्रुप में कई सारे लोग लगभग 500 से 600 ज़्यादा मैसेज मिल चुके हैं, सभी लोग परेशान हैं। तो इसको लेके अभी आप बार बार ये सब चीज़ें ना फैलाइए, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं मैसेज को। दोस्तों UP SSC की तरफ से 13 मार्च को जो मतलब आपको डिटेल्स मतलब नोटिफिकेशन जारी की हुई वो ये है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2016 जो आपके जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी, ठीक है, उसको इसके रिलेटेड जो इनकी टाइपिंग प्रोसेस होने वाली जो सेकेंड फेज होती है टाइपिंग प्रोसेस में 4264 अभ्यर्थियों की हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग की परीक्षा दिनांक 18/3/2020 से 26/3 तक आयोजित किए जाने के संबंधित आयोग की सूचना 12 मतलब इतना डिटेल पूरा दे रखा है, और इसी तारीख से ग्रहण किए मतलब ऐसे शुरू किए जाएंगे। निर्देश किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु तो अपना प्रवेश पत्र दिनांक 12 से मतलब 12 तारीख से आयोग की वेबसाइट पे UP SSC.gov जाकर अपनी मतलब जो भी वो है डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को। और ये है अपनी टाइपिंग प्रोसेस को जारी रखिए सभी लोग, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मैटर्स अवेलेबल करवाए थे सभी जूनियर स्टूडेंट को और काफ़ी सारी स्ट्रेटजी भी बताई है अलग से जितने भी इन लोगों की ग्रुप बनी है। तो ये थी पूरी डिटेल्स फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अपडेटेड नोटिफिकेशन जो होता है हर डेली बेसिस पे या एक दो एक दिन गैप करके आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाती है। और एक चीज़ और है कि BEO के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, UPPSC के लिए है, तो उनका अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन पर कई सारे वीडियो दे रखे हैं, उस वीडियो को जरूर देख के जाए। हर वीडियो से आपके एक या दो क्वेश्चन फंसने के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो ये रही आज की पूरी अपडेट। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।